सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों की कल्याणी गुरुमा आप लोगों को कक्षा तीन का हिंदी पढ़ा रहे। आज हम लोग बच्चों, आप लोगों का खत्म हो गया था 21 का लंच खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 22 वर का लंच वर 22 फेज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी कक्षा तीन त्यागी ब्राह्मण एटा हो हमारा विषय 16 दीपावली दीपों का त्योहार दीपावली हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्यागी ब्राह्मण। वो आपके किताब में पेज 47-49 में है, तो आप लोग अपना किताब सब निकाल लीजिए। अभी हम लोग त्यागी ब्राह्मण उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो त्यागी ब्राह्मण, पहले हम किताब को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो कठिन शब्द है वो सब लिखेंगे। एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान परम त्यागी और तपस्वी ब्राह्मण थे, नाम था प्रभाकर। वो एक गांव में रहते हैं, गांव में संस्कृत की एक पाठशाला में पढ़ाते थे। किसी छात्र से कभी फीस नहीं लेते थे, जो कुछ कोई दे देता उसी में वो संतोष कर लेते थे। पति पत्नी दोनों ही ईश्वर के परम भक्त थे, गांव वाले उनका बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन एक सन्यासी उनके गांव में आए, उन्होंने किसी ब्राह्मण का पता पूछा। लोगों ने उस सन्यासी को प्रभाकर के घर पहुंचा दिया। सन्यासी को देखकर प्रभाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु घर में अन्न का एक दाना भी ना था, इसीलिए वो चिंतित हो उठा। उसने पड़ोसियों से आटा दाल और चावल मांगकर भोजन बनवाया। सन्यासी ने भरपेट भोजन किया, किंतु ब्राह्मण की गरीबी उससे छिपी न रही। सन्यासी ने अपनी शक्तियों से कुछ सोने के सिलके लाकर गरीब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने वह सोने के सिलके लेकर कुएं में डाल दिए। यह देखकर सन्यासी नाराज हुए और बोले, तुमने यह क्या किया? ब्राह्मण ने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज इसी में मेरा और आपका कल्याण है। सन्यासी ने पूछा, वो क्यों, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज बिना परिश्रम किए प्राप्त धन को लेना और व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है। मैं इस पाप से छूट गया। आप जैसे सन्यासी का धन से क्या लेना देना? इसे तो आपकी तपस्या में बाधा पड़ती है। सन्यासी ने कहा, आप तो मुझसे भी बड़े त्यागी हो। ये बात सन्यासी ने किसको कहा? ब्राह्मण को बोले कि आप मुझसे भी बहुत बड़े क्या हो ना, त्यागी हो। इसका मैं ओडिया में अर्थ आप लोग को समझा देती हूँ। जड़े उच्च कोटीर ब्राह्मण विद्वान परम त्यागी एवं तपस्वी ब्राह्मण थे, नाम थिला प्रभाकर। से गांरे रहुथिले, गांरे संस्कृत पाठशाला रे से पढ़ाउथिले, कौनसी छात्र ठारु दरमा से नेउनथिले, जिए जहां देउथिला ताकु आनंद रे से नेउथिले। स्वामी स्त्री दुहे ईश्वरक परम भक्त थिले, गाँ लोक तांकर बहुत सम्मान करुथिले। दिने जने सन्यासी तांको गाँ को आसिले, से किछि ब्राह्मणक ठिकणा पचारिले। लोकमाने सन्यासी को प्रभाकरक घरे पहुंचाइ देले। सन्यासी को देखि प्रभाकर बहुत खुशी हेले, किंतु घरे अन्न कणिकाए नथिला, तेणु से चिंतारे पड़िले। से पड़ोसी ठारु अटा डाली और चाउल मागि आनी भोजन तयारी कराइले। सन्यासी पेट पूरा भोजन कले, किंतु ब्राह्मण को गरीबपण तांकु अछपा नथिला, अजणा रहिला नाही। सन्यासी निज शक्ति रे किछि सुनार मुद्रा, जो सोने के सिलके
सोना मुद्रा ले गरीब ब्राह्मण को देले। गरीब ब्राह्मण यह कूरे पकईदे एथिरे सन्यासी दुखित हो एपरी करिवार कारण पचारे। ब्राह्मण क्षमा प्रार्थना हो कहिले महाराज एथिरे आपणक ओ मोर उपकार हेला केमिती बोली सन्यासी पचारे। ब्राह्मण कहिले महाराज बिना परिश्रम प्राप्त धन नेबा ओ खर्च करिबा पाप अटे। मु एही पापरु मुक्ति हेली। आपणक भली सन्यासीक धर्म रे कि संपर्क अछि? एहा द्वारा आपणक तपस्या बाधा प्राप्त होइथांता। सन्यासी ए कथा कहिले। सन्यासी फेर कौन कहिले ना कहिले आपण तो मोठर बड़ त्यागी अटंती। जेतेले सन्यासी ब्राह्मण कथा को ए कथा को सुनिले से सब कौन कहले कहले आपण तो मोठर बड़ त्यागी अटंती। तो बच्चों आप लोगों को मैं इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ के सुनाई और ओडिया में आपको बोले बता दी। अभी हम लोग यहाँ का प्रश्न शब्द लिखेंगे। शब्द ज्ञान विद्वान वा ज्ञानी तपरे से त्यागी त्यागी जे सब किसी त्याग कर दे माने तब हमें त्यागी को वा ज्ञान दान भी दान वीर खर्च सिक्के मुद्रा
इसको लिख दवा तपस्वी माने जे तपस्या करिवार लोक परम माने बहुत बड़ा तापर प्रसन्न माने खुशी बुझि पाले लिखिले आपने हमें हमर पिला ने अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करिवा आ आरो टेक्स्ट को तुमको दिया जइबो एक नंबर दला निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए पंडित प्रभाकर कौन थे पंडित प्रभाकर कौन थे ना पंडित प्रभाकर एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान परम त्यागी और तपस्वी ब्राह्मण थे प्रभाकर पाठशाला में क्या पढ़ाते थे प्रभाकर पाठशाला में संस्कृत पढ़ाते थे गो नंबर सन्यासी ने सन्यासी के आने पर देवदत्त चिंतित क्यों हो गए सन्यासी के आने पर प्रभाकर चिंतित हो गए क्योंकि उनके घर में अन्न का एक दाना भी ना था घ नंबर प्रभाकर ने भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की प्रभाकर ने अपने पड़ोसियों से आटा दाल व चावल मांगकर भोजन की व्यवस्था की बनाया वो नंबर सन्यासी ने प्रभाकर की गरीबी दूर करने के लिए क्या किया सन्यासी ने प्रभाकर की गरीबी दूर करने के लिए उनकी शक्तियों से कुछ सोने के सिक्के लेकर गरीब ब्राह्मण को दे दिए तापरे आसला हमर छ नंबर कौन है ना ब्राह्मण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है ब्राह्मण के अनुसार बिना परिश्रम किए प्राप्त धन को लेना और लोभ से लेना और व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है दूसरी नंबर असला रिक्त स्थान भरी है पंडित प्रभाकर एक उच्च कोटि के व्यास थे एक उच्च कोटि के विद्वान परम त्यागी और तपस्वी ब्राह्मण थे बड़ा उत्तर दे विद्वान परम त्यागी और तपस्वी ब्राह्मण थे प्रभाकर पाठशाला में डैश पढ़ाते थे प्रभाकर पाठशाला में संस्कृत पढ़ाते थे ग नंबर सन्यासी ने प्रभाकर को डैश भेंट किए सन्यासी ने प्रभाकर को सोने के सिक्के भेंट किए भेंट मैंने बड़ा उपहार दिए घ नंबर बिन डैश किए प्राप्त धन को लेना और व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है बिन परिश्रम किए प्राप्त धन को लेना और व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है एडा पिला माने हमर अभ्यास पृष्ठा 49 रे एडा थिला हमर एक नंबर दुई नंबर आलोचना सरी गला ता तळे देखो तमर बही रे देई छी प्रयोगवाची शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तो वो प्रयोगवाची शब्द कहलाते हैं तले इथु कोन बुझिल प्रयोगवाची शब्द कोन ना जो शब्द र गोटिए रु दुईटी तीनोटी अनेक अर्थ जार आसे जो जब दो या दो से अधिक शब्द दो गोटे शब्द र दीटा किबा ताकु अधिक यदि से शब्द र अर्थ बाहरिला ताले ताकु आमे प्रयोगवाची शब्द कहू जैसे उसका उदाहरण है ईश्वर ईश्वर माने हमें जो भगवान कहू प्रभु कहू ना नहीं हिंदी रे हमें भगवान ईश्वर प्रभु परमेश्वर ये सब बोलते हैं इंग्लिश में उसको गॉड बोलते हैं उड़िया में भगवान बोलते हैं हिंदी में भी भगवान जी बोलते हैं उसके बाद आया जल जल का नाम पानी है जीवन है जल है नीर है ऐसे ही है उसके बाद पिता पिता मतलब तात पापा जिसको हम बोलते हैं जनक बाप पितृ ऐसे ही अर्थ है गोटे जिनस कि तार अनेक अर्थ आसा समुद्र जोटा आम अच्छे समुद्र पुरी नहीं गोटे समुद्र आम कौन कह रत्नाकर सिंधु सागर नदी ऐसे ही बोलते हैं सर सर्प मैंने कौन ना सर्प उसको हिंदी में सर्प बोलते हैं सांप बोलते हैं नाग बोलते हैं भुजंग बोलते हैं उसके बाद आया हाथी हाथी को हम लोग हस्ती बोलते हैं दंती बोलते हैं गज बोलते हैं हाथी भी बोलते हैं तो एक शब्द का देखो एक से एक शब्द का दो से तीन चार अर्थ निकल आया तो इसको हम लोग प्रयोगवाची शब्द बोलते हैं तो बच्चों आप लोगों का हिंदी का सीडब्ल्यू खत्म उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे
एस डब्ल्यू लिखेंगे तो इसका मैं आप लोगों को टेक्स्ट भी भेजवा दूंगी, आप लोग इसको अपने अपने खाते में लिख के करके याद करोगे। तो अभी आप लोगों को एस डब्ल्यू लिखो हिंदी बोली त्यागी ब्राह्मण विषय पढ़ कठिन शब्द खाता लिख त्यागी ब्राह्मण विषय को पढ़ हिंदी बही पाठ षोह त्यागी ब्राह्मण विषय को पढ़ और कठिन शब्द को लिख धन्यवाद।